चाहे आप एक्सरसाइज करें या बुखार में तड़पें, मसालेदार खाना खाएं या स्टेज पे पहली बार कोई गाना गाएं, एक चीज तो निकल ही आती है, अरे भैया पसीना। लेकिन क्यों? हम सबको पसीना आता है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे का कोई कारण भी होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा शरीर ऐसे ही कुछ भी नहीं करता और हर चीज़ के पीछे का अपना एक कारण ज़रूर होता है। हमें बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन में पसीना आ सकता है, लेकिन एक समय जब हमारा शरीर सबसे ज़्यादा पसीना छोड़ता है वो है एक्सरसाइज का समय। लेकिन ऐसा क्या होता है एक्सरसाइज करते समय जो हमें इतना पसीना आता है? तो होता क्या है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं और जैसे जैसे हम अपनी तेज़ी बढ़ाते हैं, हमारी मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इस एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शंस तेज़ी से होने लगती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर काफ़ी सारी हीट या गर्मी पैदा हो जाती है। ज़्यादा गर्मी हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है और इसीलिए इस गर्मी को कम करने के लिए, हमारी बॉडी को ठंडा करने के लिए हमारा ये शरीर पसीना छोड़ता है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी खुद को ठंडा करने के लिए पसीना छोड़ती है। लेकिन कैसे? हमारी त्वचा के नीचे कुछ पसीना छोड़ने वाले स्वेट ग्लैंड्स हमेशा मौजूद होते हैं और जब भी हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है तो हमारे दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस, जो हमारे पूरे शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इन स्वेट ग्लैंड्स को आदेश देता है कि बच्चों, हाइपोथैलेमस के सिग्नल के बाद ये स्वेट ग्लैंड्स हमारी त्वचा में पसीने की बूंदें छोड़ते हैं और इन बूंदों के सूखते सूखते इवेपोरेशन की मदद से हमारा शरीर ठंडा होने लगता है। हमारे शरीर में करीब 30 लाख से भी ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और ये हमारे पूरे शरीर में फैले हुए हैं। इन स्वेट ग्लैंड्स की मात्रा हमारी हथेलियों, पैरों के नीचे और सर पे सबसे ज़्यादा होती है और इसीलिए हमें इन जगहों पर सबसे ज़्यादा पसीना आता है। हमें पसीना सिर्फ एक्सरसाइज करते हुए नहीं बल्कि मिर्ची वाला खाना खा के या कोई इंटरव्यू देके जिसमें हम बहुत नर्वस हों तब भी आता है, क्योंकि देखा गया है कि इन सिचुएशंस में भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और अगर गर्मी बढ़ेगी तो ठंडा तो करना ही पड़ेगा। हमारे लिए ये पसीना कितना ज़रूरी है ये हमें तब समझ आएगा जब हमें किसी दिन ये पसीना आना बंद हो जाए, और ऐसा होता भी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके स्वेट ग्लैंड सही से काम नहीं करते और उन्हें सही मात्रा में पसीना नहीं आता। इस कंडीशन को एनहाइड्रोसिस कहते हैं और ऐसे लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करना या ज़्यादा गर्मी में रहना सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बॉडी खुद को ठंडा नहीं कर पाती। ज़्यादा गर्म होने की वजह से उन्हें हीट स्ट्रोक आ सकता है, जिसके कारण उनकी जान जाने तक का भी खतरा रहता है। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि पसीना आना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। वैसे आप देख ही रहे होंगे कि हमारे शरीर के पास हर बात का सोल्यूशन है। ये बात क्या है? तो आज का ये प्रश्न कार्तिक गुप्ता ने पूछा था। कार्तिक, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप खराब तो बोलोगे नहीं। लेकिन अगर कार्तिक के साथ आपको भी ये वीडियो देख के मज़ा आया है तो आपको उसको लाइक करना है और शेयर करना है और अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स भेजने हैं। और अगर आप नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले हफ्ते एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ।